Good morning, students. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are doing well. So, students, this is the third lecture video of Geography. Students, in the previous videos, we understood the concept of resource. That is, what is a resource? How does a substance become a resource? Also, we learned that all resources have some value.

so students there are basically three types of resources first one is natural resources second one is human made or man made resources third one is human resources natural resources वो resources जो हमें nature से मिलते हैं और जिनको हम ज़्यादा modification किए बिना ही use करते हैं वो कहलाए जाते हैं हमारे natural resources second one आगे हमारा human made और man made resources वो रिसोर्सेज जो हम ह्यूमंस जो है नेचुरल रिसोर्सेज में से बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से बनाते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई मशीन्स हो गई वो सब हम जो बना रहे हैं वो कहलाए जाते हैं हमारे ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्सेज थर्ड वन आ गया हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज हम ह्यूमंस जो है खुद में ही क्या है रिसोर्सेज हैं हम जो है अपनी नॉलेज स्किल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से न्यू रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं so firstly we will discuss about natural resources in detail students natural resources जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है natural यानी कि वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और जिनको हम ज्यादा मॉडिफिकेशन किए बिनाएं मतलब थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके ही जिनको हम यूज करते हैं ज्यादा मॉडिफिकेशन हम उनमें नहीं करते हैं वो कहलाए जाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज दैट आर फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्सिस नेचर प्रोवाइड करती है और जिनको हम जिनको हम ज्यादा कुछ उनमें चेंजेस लाए बिना जिनको हम यूज करते हैं वो कहलाए जाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल्स ले लेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की फर्स्ट वन है जैसे फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है वो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए ठीक है ठीके? फॉरेस्ट जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो, लो, है, है, वो, है, तो वो, वो हम लोग यूज़ करते हैं टिम्बर जो प्रोवाइड करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ठीक है तो जो ऑक्सीजन वो हम प्रोवाइड करें वो हम लोग डायरेक्टली यूज करें तो ये जो फॉरेस्ट है ये क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है द एयर वी ब्रीथ जो हवा जो हम सांस लेते हैं वो हमें नेचर प्रोवाइड करती है वो एक नेचुरल रिसोर्स है ठीक है वाटर इन आर लेक्स एंड रिवर्स जो पानी हमारे झीलों में और नदियों में मिलता है ठीक है जो पानी हमारी झीलों नदियों में मिलता है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं वो हमें नेचर प्रोवाइड करे और हम लोग डायरेक्टली यूज करें तो वो भी क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है सॉइल जिसके ऊपर हम अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स के प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं तो ये सॉइल भी जो है वो हमें किसने दी हुई है नेचर ने प्रोवाइड किया है तो ये भी क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है मिनरल्स जो हैं ये भी हमारे क्या हैं नेचुरल रिसोर्स है तो ये जो फॉरेस्ट है एयर वी ब्रीथ वाटर इन आर लेक्स एंड रिवर्स द सॉइल मिनरल्स ये सब क्या है एग्जाम्पल्स है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस की स्टूडेंट्स ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है ये नेचर ने जो कुदरत ने हमें फ्री गिफ्ट्स दिए हैं और इनको हम जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ये जो हमारे नेचुरल रिसो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमें नेचर ने फ्री में गिफ्ट्स दिए हुए हैं और इनको हम लोग जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अब जो हम पीने के लिए पानी यूज करते हैं जो हमें झीलों से मिलता है कुओं से मिलता है तालाब से मिलता है तो वो जो है हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली यूज करते हैं इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स द बेस्ट पॉसिबल वे कुछ केसेस में क्या होते हैं टूल्स और टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो एक नेचुरल रिसोर्स को उसके बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करते हैं जैसे हम क्या करते हैं फॉरेस्ट में से क्या करते हैं जब हम टिम्बर काटते हैं फिर उसको हम बेचते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में बेचते हैं वहां से उसके लॉग्स कटते हैं फिर उससे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है तो यानी कि टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक नेचुरल रिसोर्स को उसके बेस्ट पॉसिबल वे में यूज किया है सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूरा पढ़ा ठीक है उसकी डेफिनेशन पढ़ी आई होप ये नेचुरल रिसोर्सिस की डेफिनेशन आप सबको क्लियर हो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सिस हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं डिफरेंट लेवल्स के बेसिस पर सबसे पहला है जैसे कि डेवलपमेंट एंड यूज डेवलपमेंट एंड यूज में यहाँ पे मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या वो अभी यूज और उसका हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं या फिर वो फ्यूचर में यूज करेंगे तो उसके बेसिस पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ तो रिसोर्सेज हैं फर्स्ट वन है एक्चुअल रिसोर्सेज सेकेंड वन है हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज दूसरा बेसिस है हमारे पास ओरिजिन ओरिजिन का मतलब कि सोर्स कहीं यानी कि उन रिसोर्सेज का सोर्स कहीं वो कहाँ से डिराइव हो रहे हैं तो उसके बेसिस पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ तो रिसोर्सेज हैं फर्स्ट वन है, है बायोटिक रिसोर्सेज और सेकेंड वन है अबायोटिक रिसोर्सेज अब थर्ड बेसिस है हमारे पास स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक मतलब अवेलेबिलिटी उसके बेसिस पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है आगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कुछ रिसोर्सेज जो होती है वो क्या होती है ऑल ओवर प्लेस जो होती है वो अवेलेबल होते हैं मतलब ऑल ओवर अर्थ वो अवेलेबल होते हैं बट कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड सर्टेन प्लेसेस पे ही अवेलेबल होते हैं तो उन उसके बेसिस पर हमारे पास क्या है टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेस स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज वो हमने पढ़ा उसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स है जैसे कि फर्स्ट बने पहला है एक्चुअल रिसोर्सेज सेकेंड बने पोटेंशियल रिसोर्स अब इनको जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंसिएशन के थ्रू हम समझेंगे सबसे पहला एक्चुअल रिसोर्सेज होता क्या है एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका सर्वे हो चुका है और जिनकी हमें प्रॉपर एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है यानी कि वो किस क्वांटिटी में अवेलेबल है वो हमें पता है पोटेंशियल रिसोर्सेज पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनकी हमें एंटायर क्वांटिटी यानी कि वो किस क्वांटिटी में अवेलेबल है वो हमें अभी तक नहीं पता है तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो हैं उनकी हमें क्वांटिटी पता है और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है उनकी हमें

पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो अभी हम प्रेजेंटली यूज नहीं कर रहे हैं यानी कि हमारे पास उतनी टूल्स और टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को यूज कर सके हो सकता है इन फ्यूचर जो है हमारे पास वैसे टूल्स और टेक्नोलॉजी आ जाए हमारे पास वैसी मशीन हो वैसी टेक्नोलॉजी हो जिनसे हम इन रिसोर्सेज को क्या कर सके यूज कर सके एक्चुअल रिसोर्स माइट हैव बीन अ पोटेंशियल रिसोर्स इन द पास्ट एक एक्चुअल रिसोर्स जो है वो हो सकता है पास्ट में क्या हो एक पोटेंशियल रिसोर्स हो मतलब कि हो सकता है जो रिसोर्स आज के टाइम पर एक्चुअल रिसोर्स है वो पास में क्या हो पोटेंशियल रिसोर्स हो यानी कि पास में हमारे पास उसके लिए इतनी टूल्स और इतनी मशीन और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हो कि हम उसको यूज कर सके वहीं पर ए पोटेंशियल रिसोर्स कैन प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स इन द फ्यूचर एक पोटेंशियल रिसोर्स जो है वो यूजफुल आगे जाकर हमारे काम आ सकता है और एक्चुअल रिसोर्स बन सकता है फ्यूचर में अगर हमारे पास उसके लिए टूल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप अगर हम कर लें तो वो जो पोटेंशियल रिसोर्स है वो क्या बन सकता है एक्चुअल रिसोर्स बन सकता है स्टूडेंट्स अब एग्जांपल्स ले लेते हैं हम एक्चुअल रिसोर्सेज की जैसे कि रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रोहर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया बड़े बड़े भंडार जो हैं कोयले के रोहर रीजन में जर्मनी के और पेट्रोलियम के जो भंडार है वेस्ट एशिया में कोल और पेट्रोलियम जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो ये सब जो है ये क्या है एग्जाम्पल्स एक्चुअल रिसोर्सेज की यानी कि इन रिसोर्सेज को कोल और पेट्रोलियम को हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं द डार्क साइल्स ऑफ द टेकन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जो टेकन प्लेट्यू में जो ब्लैक सॉइल मिलती है जिससे हम कॉटन ग्रो करते हैं तो वो ये सब जो है ये जो रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया द डार्क सॉइल्स ऑफ द टेकन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र ये सब क्या है एक्चुअल रिसोर्सेज की एग्जाम्पल्स हैं अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्सेज की जो यूरेनियम जो लद्दाख में पाया गया है तो ये जो यूरेनियम है ये अभी क्या है पोटेंशियल रिसोर्स है इस यूरेनियम को हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जैसे कि यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो इसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यूज़ नहीं कर रहे हमारे पास उतने टूल्स और टेक्नोलॉजी नहीं है और इसकी एग्जैक्ट अभी हमें क्वान्टिटी नहीं पता है तो स्टूडेंट्स हमने जो एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में जो है डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स के थ्रू जो है हमने इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ठीक है आई होप जो है ये एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो स्टूडेंट्स जब अभी हम एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बीच में डिफ्रेंसीशन कर रहे थे उन, उनको डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या होते हैं तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था एक्चुअल रिसोर्सेज में कि एक्चुअल रिसोर्सेज हो सकता है पास में क्या हो वो भी एक पोटेंशियल रिसोर्स हो तो इसकी हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जो 200 साल पहले कुछ क्या था किसको क्या पता था कि जो हाई स्पीड विंड्स है यानी कि जो तेज चलने वाली हवाएं हैं वो क्या हो सकती हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं विंड फार्म्स में विंड मिल्स लगा कर उससे हम क्या कर सकते हैं एनर्जी जो वो है वो जनरेट कर सकते हैं तो वही wind, आज के टाइम पर क्या है वही जो हाई स्पीड विंड्स हैं वो एक्चुअल रिसोर्स बन गई हैं और विंड फार्म्स में विंड मिल्स के थ्रू जो है एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है जैसे कि नीदरलैंड्स में की जाती है कुछ विंड मिल्स जो है नगर कोयल तमिलनाडु में भी हैं और गुजरात कोस्ट पे भी हैं सो स्टूडेंट्स आज हमने जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा ठीक है उसके बाद जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन पढ़ी डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पर उसके बाद ओरिजिन के बेसिस पर स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ठीक है हमने फिर डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज की जो टू टाइप्स हैं एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ा अब जो है हम बाकी के जो ओरिजिन और स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ये यहाँ पर विंड मिल की एक डायग्राम बनाई गई है विंड फार्म है यहाँ पर विंड मिल्स लगाए गए हैं आपको ये जो डायग्राम है सेम अपनी नोटबुक पर बनानी है ठीक है सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा आई होप ये जो कंटेंट इस वीडियो में आपको समझाया गया ये क्लियर हो अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं और जो हमने टॉपिक जो है इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वो आपको जो बुक में जहाँ पे भी है पीडीएफ वो आपको प्रोवाइड की जाएगी सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सो स्टूडेंट्स दिस इज़ फॉर टूडेज़ वीडियो थैंक यू स्टूडेंट्स